मैनेज कीजिए, अगर टाइम मैनेज नहीं होता है तो बहुत बुरा स्थिति होने वाला है, समझ गए इस बात को। तो आज से आप लोग निर्णय कर लीजिए कि हमको करना क्या है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। क्या समझ में आया इतना देर से, इतना बात बोले इसमें क्या समझ में आया है? आपको ये पता नहीं होगा तुम कहाँ से दे पाए। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि किसी का तुलना किसी स्किल से नहीं कीजिए, ठीक ना, क्योंकि ये अलग चीज है। पेमेंट का इश्यू हो चाहे कोई चीज का इश्यू हो, यानी कोई टीचर से प्रॉब्लम है, कोई मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है, किसी चीज का प्रॉब्लम है, आप ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं किसी बात पर। काम काज होता है उसका डेटा बनाना, उसको सुझाव देना, ये सचिवालय सहायक का काम होता है, ठीक ना। इसके बाद यदि बात करेंगे कि बीपीएससी में, तो बीपीएससी में 10 नंबर का रीजनिंग या 5 नंबर का पूछा जाता है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि बदलाव हो कुछ। दूसरी बात, रेलवे में आएंगे तो 30 से 35 नंबर का रीजनिंग पूछा जा रहा है हाल के दिनों में, ठीक ना। 30 नंबर से 35 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। इसके बाद बैंकिंग, तो बैंकिंग का उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कोई बच्चा जो है उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। यदि कर भी रहे होंगे तो हम आपको बता दे रहे हैं कि बैंक में जो है अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई 20 नंबर का भी पूछता है, कोई 25 नंबर भी पूछता है।